बाबा जी की बुट्टी और थोड़ी लेखा गुट्टी तेरे रंग में सबोड़े तेरे संग में सबोड़े तेरे रंग में सबोड़े तेरे संग में सबोड़े चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फोटो एडिटर ऐप के बारे में, जो मेरे लिए बेस्ट है तो शायद आपके लिए भी बेस्ट ही हो। तो आपके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ऐप का नाम है ऑटो फोटो कट पेस्ट। तो चलते हैं, ऐप को ओपन कर लिया गया है, लोडिंग हो रही है और लोडिंग यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे होता है या पेस्ट फोटो है, मतलब आपने अगर कट कर रखी है तो पहले तो आपको कट करना पड़ेगा कट फोटो। अब आप डायरेक्ट कैमरे से भी खींच सकते हैं और अपनी गैलरी से भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं गैलरी से चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे को चाहिए एक फ़ोटो, मैं एक फ़ोटो जो है तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। आपको इसका जो तो साइज़ कितना चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए, मैं फुल साइज कर लेता हूँ। अब आपको जो है तो इसको कट करना है, तो कट के भी जो तो तीन सिस्टम है। पहला तो होता है ऑटो कट, आपको बस एरिया सिलेक्शन करना है और ये कट कर देगा। दूसरा होता है मैनुअल, यानी कि आप जो है तो खुद से इसका कट कर सकते हैं, अपने हाथ से कितना कट करना है। तो इसको भी दिखा देता हूँ आपको, ऐसे आप इसको जो है तो कट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बगल में यहाँ पे आपको दिखाई देगी स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं, बिल्कुल जूम करके दिखाएगा। और तीसरा जो होता है इसी में होता है, एक होता है जो बोलते हैं इसको रिस्टोर्स, तो इसमें आप जिसको ब्राइट करने वो करना चाहते हैं इस पर केवल आपको घुमाना है और वो आपका कट हो जाएगा। मतलब जैसे आपसे मान लीजिए मिस्टेक से गलती से आपको कुछ कट गया है तो उसको हटा सकते हैं, इससे कटा सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा जो आपको कट का था, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है एरिया, पहले आपको सेलेक्ट करना है। वैसे मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब आपको दो ऑप्शन आते हैं, या तो कट इनसाइड मतलब अंदर की तरफ कट करना है, या कट आउटसाइड मतलब बाहर का एरिया। तो बाहर का एरिया कट, तो आप इधर इतना आ चुका है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑटो कट अच्छा ही होता है, अगर आपके आसपास से ज़्यादा कुछ सामान रखा हुआ नहीं है, वरना दिक्कत हो जाती थोड़ा सा। अब आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं ऐसे कि कैसा आपको चाहिए। अब चलते हैं रियल बैकग्राउंड चेंजिंग में, तो आगे बढ़ेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप स्मूथ कर सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा ही रहेगा। ऐड बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, अब इस पर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके आप अपनी गैलरी में भी जा सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप कैमरे से भी या कोई कलर भी रख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो अभी तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे सेट कर देता हूँ, और अभी आपको शेप पे क्लिक करना है। जैसे आप शेप पर क्लिक करेंगे और इमेज आपकी शेप हो जाएगी आपकी गैलरी में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताइएगा आपका आपको जो है तो ऐप में क्या अच्छा लगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।